वेलकम स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में आज हम वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ वेस्ली क्लेयर मिचेल। वेस्ली क्लेयर मिचेल के द्वारा जो इकोनॉमिक आइडियाज़ दिए गए हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्होंने वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर और प्लानिंग के बारे में बताया। वेलफेयर का मतलब इन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में या फिर प्रचुर मात्रा में गुड्स की सप्लाई होना, दैट इज़ नॉट अ वेलफेयर। इनके अकॉर्डिंग वेलफेयर का मतलब क्या है कि जो हम वर्किंग लाइफ है, जो हमारी वर्क है या कुछ हम एक एक्टिविटीज़ करते हैं इंटरेस्टिंग, जो हमारे वर्क को एक इंजॉयबल बनाती है और हमारी वर्क को, बिजनेस वर्क को या बिजनेस एक्टिविटीज़ को इंटरेस्टिंग बनाती है, उसको यहाँ पे वेलफेयर कहते हैं। सो वेलफेयर अगर मिशेल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक तरीके से सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग लाइफ होनी चाहिए। टू मिशेल वेलफेयर डिड नॉट सिंपली मीन एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ गुड्स बट ऑल्सो सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग लाइफ फुल ऑफ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ और सेटिस्फैक्ट्री वर्क लाइफ ही वेलफेयर होता है। द क्राइटेरियन वेलफेयर वॉज टू बी डेवलप्ड इन सच अ वे एज इट वुड बी अप्रिशिएबल टू मैनी लाइन्स ऑफ एफर्ट्स by quantitative methods। अलग अलग जगह एफर्ट लगाना, अलग अलग तरीके से डेवलप करना, क्वान्टिटेटिव मैथड का यूज़ करना, दैट इज़ अ वेलफेयर। इस चीज़ को हम वेलफेयर कहते हैं। मिशेल थॉट दैट वैन इकोनॉमिक्स बिकम अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इट वुड एम्फेसिस मोर ह्यूमन वेलफेयर एंड लेस वेल्थ। अब इसमें मिशेल ने क्या कहा है कि एक ह्यूमन बिहेवियर साइंस है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काम करती है, और बेसिकली अगर ह्यूमन बिहेवियर पे काम करते हैं तो उसमें बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, मेथड का यूज़ करते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन और रिसर्च बेस्ड है। तो ये ह्यूमन वेलफेयर को भी डेवलप करता है और लेस वेल्थ यानी कि वेल्थ भी इसमें कम है। तो इकोनॉमिक साइंस क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन वेलफेयर और इकोनॉमिक वेलफेयर पर काम करता है। मिशेल कंसिडर इकोनॉमिक प्लानिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट टास्क। इकोनॉमिक प्लानिंग को अभी इन्होंने जैसे बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट टास्क है। क्यों है? क्योंकि ये हर एक्टिविटीज़ में, इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कंजम्पशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है, पब्लिक फाइनेंस है, एक्सचेंज है, सब में इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग भी इन्वॉल्व होती है। तो जब इकोनॉमिक प्लानिंग अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जगह इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे बिजनेस के अंदर ये चीज़ सक्सीड नहीं होती है। मिशेल कंसिडर इकोनॉमिक प्लानिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिकल्ट टास्क, इसलिए इसको इन्होंने डिफिकल्ट टास्क कहा है। मिशेल कंसिडर द इकोनॉमिक प्लानिंग इज डिफिकल्ट टास्क। ही बिलीव्ड डेट प्लानिंग बाय बिजनेस अलोन वुड नॉट सक्सीड। थ्रू लेक्चर्स एंड टॉक्स ही मेड इट क्लियर डेट प्लानिंग वॉज असेंशियल और एन ऑर्डरली इकोनॉमी, बट पीस मील प्लानिंग वॉज डिफेक्टिव बिकॉज इट इग्नोर द फैक्ट दैट द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोसेसेस वर इंटर रिलेटेड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया इन्होंने, इकोनॉमिक प्लानिंग करना आसान नहीं है, क्योंकि जब इकोनॉमिक प्लानिंग आप करते हो तो सारे सेक्टर देखने पड़ते हैं आपको, सब एक्टिविटीज़ को एनालाइज करना पड़ता है, लेक्चर्स एंड टॉक्स को देखने पड़ते हैं आपको, कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ रिसर्च हुई, कहाँ कहाँ इन्वेस्टिगेशन हुई, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो जब इकोनॉमिक प्लानिंग करते हो तो मिशेल कंसिडर कर रही है डिफ़िकल्ट माना है अकॉर्डिंग टू मिशेल। और इन्होंने एक चीज़ और बताई यहाँ पे कि इकोनॉमी ऑर्डरली प्लानिंग होगा वही सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाता है। अगर पीस मील प्लानिंग होगा यानी कि एक ही सेक्टर के ऊपर काम करेंगे या जल्दी से प्लानिंग करेंगे जिस पे कोई रिसर्च नहीं है, जो फोरकास्टिंग नहीं है, तो वो डिफेक्टिव हो जाएगा। इट इग्नोर द फैक्ट दैट इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोसेसेस वर इंटर रिलेटेड। तो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है कि इकोनॉमी और सोशल प्रोसेस सब यहाँ पे सारी चीज़ें इग्नोर हो जाएगी। इसलिए इकोनॉमिक फैक्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे माना है। इकोनॉमिक फैक्ट को लेकर, पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर इकोनॉमिक प्लानिंग होनी चाहिए जो कि सोसाइटी का डेवलपमेंट में भी हेल्प करे और इकोनॉमिक एक्टिविटी का डेवलपमेंट करने में भी हेल्प करे। सेकेंड आता है इकोनॉमिक गाइडेंस थ्योरी। मिशेल इन हिज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक गाइडेंस पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब मिशेल ने अपनी थ्योरी में क्या कहा है कि कॉर्पोरेट एंटरप्राइज जो आज का एंटरप्राइज है वो ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों का अलग अलग है।
यानी कि ओनरशिप का अलग वर्क है और मैनेजमेंट का अलग वर्क है। तो ये ओनरशिप जब मैनेजमेंट से अलग हो जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन आ जाता है, जहाँ पे पावर क्या रहती है, फ्यू डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव में रहती है, क्योंकि ओनरशिप मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है और मैनेजमेंट ओनरशिप के हिसाब से वर्क करता है। तो ओनरशिप की एक इंपॉर्टेंस इन्होंने बताई है कि एज अ रिजल्ट पावर वर कंसनट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू डायरेक्टर, कुछ ही डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव्स के पास आ जाती है। तो डेट इज़ अ इन्होंने बताया कि गाइडेंस का काम किसके पास रहता है, यहाँ पे डायरेक्टर्स के पास रहता है, एग्जीक्यूटर्स के पास रहता है, दोज हु कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ अ कॉरपोरेशन डू इट इन देयर ओन इंटरेस्ट। इन 1913 व्हेन ही रोट अबाउट दिस थ्योरी ही फाउंड दैट द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड वॉज लेस। अब इसी चीज़ के ऊपर इन्होंने बता रखा है कि सेंट्रलाइजेशन सिस्टम की एक कमी होती है कि जब वो कॉरपोरेशन इनका खुद का कंट्रोल में रहता है, पावर इनके हाथ में रहती है, तो ये खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, जनरल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करते। इसके लिए इन्होंने 1913 में एक बताया भी था थ्योरी, उसके ऊपर इन्होंने गवर्नमेंट के रोल के बारे में बात करी थी, द गवर्नमेंट ऑफ रोल इन दिस रिगार्ड वॉज लेस। इसलिए गवर्नमेंट का रोल भी यहाँ कम हो जाता है। अगर सेंट्रलाइजेशन पावर रहती है तो गवर्नमेंट भी जैसे सेंट्रलाइजेशन में रहेगी तो पावर को है ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती और ख़ुद के अकॉर्डिंग चलाती है। इससे क्या होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो सेल्फ के लिए काम करता है, जनरल इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट काम नहीं करती है। तो दैट इज़ अ इकोनॉमिक गाइडेंस थ्योरी बताया इन्होंने कि पावर डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन के ऊपर नहीं होनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन में ओन सिस्टम के ऊपर काम करता है, सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर काम करता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर या फिर जनरल इंटरेस्ट के ऊपर काम करता है। इसके बाद इन्होंने मेथड्स ऑफ स्टडी के बारे में बताया कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस का ऊपर इन्होंने फोकस करा है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस होना चाहिए इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि क्वांटिटेटिव में सारी चीज़ें सिस्टमेटिक चलती है, जो भी फ्लक्चुएशंस आते हैं उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो मिशेल एम्फसाइज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन, थ्रू दिस क्वांटिटेटिव मेथड ही वॉज एबल टू गिव अ सिस्टमेटिक अकाउंट टू ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। सारी चीज़ों को सिस्टमेटिकली आप देख सकते हो क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द ओल्ड मेथडोलॉजिकल डिबेट डेट एग्जिस्टेड बिटवीन हिस्टोरिकल एंड क्लासिकल स्कूल। इट इज़ टू बी नोटेड डैट ही एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ इक्विलिब्रियम। सो इसमें इन्होंने ये पॉइंट बताया है कि मेथडोलॉजिकल जो जो डिबेट चलता था कि हिस्टोरिकल और क्लासिकल स्कूल के बीच में मेथड को लेकर, वो सारी चीज़ें इन्होंने उसके ऊपर इन्होंने बात नहीं करी है, और इन्होंने जो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करी उसमें बाउंड्रीज ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर भी बहुत इन्होंने बताया है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके आप इकोनॉमी की बाउंड्री, इक्विलिब्रियम की बाउंड्री को भी आप एनालाइज कर सकते हो और उसके बारे में पता लगा सकते हो। इसलिए मेथड में इन्होंने क्वांटिटेटिव मेथड के ऊपर ज़्यादा फोकस के लिए बताया। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में इन्होंने अपनी बताई है कि ईच इंडिविजुअल हैज़ लॉट ऑफ इंस्टिंक्ट विच आर डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर पर्सन का इंस्टीट्यूशनल अप्रोच अलग है, जैसे इंडिविजुअल से इंडिविजुअल डिफरेंट है, ऐसे ही इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशन डिफरेंट है। द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल डैट रिजल्टेड फ्रॉम इनबॉर्न कैपेसिटी। अब जो बिहेवियर की बात करी इन्होंने इंडिविजुअल की, वो किस कैसे आती है, इनबॉर्न कैपेसिटी आती है। इनबॉर्न कैपेसिटी यानी कि जब से वो बर्थ हुआ है इंडिविजुअल का तब से उसके पास कैपेसिटी रहती है, लेकिन वो अडॉप्ट करता रहता है। उसका जो अनरीजनिंग फॉर्म ऑफ बिहेवियर कभी कभी होता है वो उसकी इनबिल्ड होती है, बाकी वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता रहता है अपने अपने एरियाज के अंदर। अकॉर्डिंग टू मिशेल, थ्री इंस्टीट्यूशन, आर्ट्स, राइटिंग, स्पीच एंड रिलीजन प्रोवाइडेड अ स्टैंडर्ड बिहेवियर, हैबिट्स ऑफ फीलिंग, एक्टिंग एंड थिंकिंग दैट आर अप्रूव बाय द कम्युनिटी एंड फाइनली एम्बेडेड इन अ सोशल इंस्टीट्यूशन। मिशेल के अकॉर्डिंग क्या बता रखा है, तीन इंस्टीट्यूशन मेन है, आर्ट्स, राइटिंग और स्पीच एंड रिलीजन, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बिहेवियर। तीनों चीज़ें जिसके पास है, जिस इंस्टीट्यूशन के पास है, उसका एक बिहेवियर भी अच्छा रहता है, हैबिट ऑफ फीलिंग भी सही रहती है, एक्टिंग थिंकिंग दे आर अप्रूव बाय कम्युनिटी, और ये सोशल इंस्टीट्यूशन के द्वारा एम्बेडेड होती है, यानी कि सही तरीके से सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में देखा जाए तो सोशल परफेक्ट सोशल इंस्टीट्यूशन वही होता है जिसमें सारी बातें होती है, हैबिट ऑफ फीलिंग, एक्टिंग थिंकिंग, ये सारी चीज़ें होती है।
सोशल इंस्टीट्यूशन आर पावरफुल एजेंट्स टू डायरेक्ट ह्यूमन बिहेवियर, दे आर एम्बॉडीमेंट्स ऑफ पास्ट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस. इसलिए सोशल इंस्टीट्यूशन को पावरफुल माना है. अकॉर्डिंग टू मिशेल, सोशल इंस्टीट्यूशन पावरफुल एजेंट है और ये पास्ट अचीवमेंट को लेकर काम करता है. मिशेल वॉज कॉन्फिडेंट डेट द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच वुड डेवलप इकोनॉमिक्स इन टू अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड टर्न इकोनॉमिक्स वुड बी इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंकिंग अबाउट सोशल चेंज. ही फेल्ट दैट द रोल ऑफ मनी वुड बी ब्रॉडन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. अब इन्होंने क्या बता रखा है इस चीज़ के अंदर, जितना अच्छा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होगा उतना इकोनॉमी डेवलप करेगी कंट्री की. और जो इकोनॉमिक वेलफेयर की बात बताई इन्होंने, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वो भी यहाँ डेवलप होगा. तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बताया कि सोशल चेंज ही अफेक्ट करता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को. सोशल चेंज ही इंस्ट्रूमेंटली अफेक्ट करता है और रोल ऑफ मनी भी इससे ज़्यादा बढ़ जाता है कि मनी का रोल क्या है, एक स्कोप बढ़ जाता है मनी का. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने अपने थॉट में बताई है कि रोल ऑफ मनी भी ब्रॉडन हो जाता है अगर सोशल इंस्टीट्यूशन के ऊपर काम करते हैं. तो बिजनेस साइकिल के ऊपर इन्होंने बात करी है, बिजनेस फ्लक्चुएशन के ऊपर इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दिया है. इनकी बुक द राइम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर इन्होंने अपने आइडियाज़ और फाइंडिंग्स दिए हैं जो ट्रेड साइकिल में होते हैं. ही कलेक्टेड ह्यूज स्टैटिस्टिकल डेटा एंड विद द हेल्प ऑफ डेट ही कुड कैरी ऑन डीप स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल साइकिल. इसलिए इन्होंने ट्रेड साइकिल के ऊपर स्टैटिस्टिकल डेटा भी इनके पास ज़्यादा है और इनके पास जितने भी फ्लक्चुएशंस आते हैं साइक्लिकल ट्रेड साइकिल में उसके ऊपर सब इनका इनके ऊपर इनके पास डेटा अवेलेबल है. उसके बेसिस पे इन्होंने डीप स्टडी करी और इन्होंने उसके बेसिस पे अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग इंडिविजुअल साइकिल की स्टडी करी है. ही हैज़ मेड यूज़ ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व. फ्रीक्वेंसी कर्व का भी यूज़ करते थे ये. फर्दर ही हैज़ मेड अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द डिफरेंट ट्रेंड्स ऑफ चेंजेस इन द प्राइस ड्यूरिंग इन द पीरियड ऑफ साइकिल. बेसिकली इन्होंने जब अपनी डीप स्टडी करी तो उस पर कंपैरेटिव स्टडी भी करी है, अलग अलग ट्रेंड के ऊपर भी इन्होंने एनालाइज करा है प्राइस चेंजेस, और उसके बेसिस पे इन्होंने अपने जो साइक्लिकल पीरियड होता है उसके अंदर कैसे कैसे प्राइस चेंज करती है, कैसे अलग अलग होता है उसके ऊपर भी इन्होंने एनालाइज करा है. द स्टडी बिगेंस विद अ रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग थ्योरीज फॉलोड बाय अ सर्वे ऑफ जनरल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड अ डिटेल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक प्राइजेस, इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा. और जो इनका रिव्यू है वो किस किस बेसिस पे है, पहले की थ्योरी पे है और बेसिकली जो डिटेल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो कौन कौन से फैक्टर को लेके हैं, इनके जो एनालिसिस है प्राइस, इंटरेस्ट रेट और जो चेंजेस आए मार्केट के अंदर साइक्लिकल उसके ऊपर. ही एट्रीब्यूटेड बिजनेस साइकिल टू द इम्बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन. अब इन्होंने अपनी स्टडी में क्या पाया कि अगर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को आप इम्बैलेंस कर दो तो बिजनेस साइकिल ख़राब होती है. इट रिजल्ट इन ग्लट इन द मार्केट. इसी चीज़ों से इम्बैलेंस होने से मार्केट के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट होती है. इसलिए इन्होंने अपनी थ्योरी बताया कि ये जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की जो इम्बैलेंसेस है ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में मार्केट में, अगर ये चीज़ें सही हो जाएगी तो मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म होगा और डिमांड भी बढ़ेगी और सप्लाई भी तेज़ी से बढ़ेगी. मैन एंड मशीन आर अनएम्प्लॉयड. जब ये प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होंगे तो मैन और मशीन अनएम्प्लॉयड होता है. बिजनेस साइकिल रिकर बिकॉज देयर इज़ नो प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग. और इन्होंने एक बिजनेस प्लानिंग की भी इंपॉर्टेंस बताई है, अगर बिजनेस प्लानिंग अच्छा है तो यहाँ पे मैन और मशीन भी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा. बिजनेस फ्लक्चुएशन आर एग्रेवेटेड बाय फैक्टर्स सच एज वाइडनिंग ऑफ मार्केट, मोनोपोलीज, माइग्रेशन ऑफ पीपल. और बिजनेस फ्लक्चुएशन के ऊपर भी इन्होंने बताया है कि बिजनेस फ्लक्चुएशन कब होता है, जब मार्केट में मोनोपोली आती है, माइग्रेशन आता है लोगों का और फैक्टर्स मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ता है तो बिजनेस चेंजेस भी आते हैं. अकॉर्डिंग टू सेल्फ जनरेशन थ्योरी गिवन बाय मिशेल, ईच फेज ऑफ ट्रेड साइकिल विल ऑटोमेटिकली जनरेट द अदर. अब इन्होंने एक चीज़ और बताई है ट्रेड साइकिल पे सेल्फ जनरेशन थ्योरी में कि ट्रेड साइकिल कब अफेक्ट होता है, जब
ट्रेड साइकिल तब अफेक्ट होता है जब बिजनेस क्राइसिस आता है, एक साइकिल से दूसरे साइकिल बिजनेस अफेक्ट होती है। द ए क्राइसिस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी फॉलो बाई डिप्रेशन, डिप्रेशन बाई रिकवरी, रिकवरी बाई प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी बाई क्राइसिस ऑन। अब क्राइसिस का एक साइकिल चलता है जो इन्होंने बताया, जैसे डिप्रेशन आता है, फिर डिप्रेशन के बाद रिकवरी आती है, रिकवरी होती है, फिर प्रॉस्पेरिटी आती है जब कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, फिर कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो सप्लाई अफेक्ट होती है, डिमांड अफेक्ट होती है, फिर क्राइसिस आता है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया कि सेल्फ जनरेशन थ्योरी में ये ट्रेड साइकिल ही ऑटोमेटिकली जनरेट होता है और ऑटोमेटिकली अफेक्ट होता है। तो इन्होंने अपने थ्योरी में ट्रेड साइकिल के बारे में, बिजनेस साइकिल के बारे में बताया है, जो इनकी स्टडी है कि बेसिकली बिजनेस साइकिल मेनली प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से अफेक्ट होता है, इसी से प्राइस ट्रेंड और इंटरेस्ट रेट अफेक्ट होती है। बिजनेस साइकिल के अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है जो साइकिल है, जैसे क्राइसिस, प्रॉस्पेरिटी, डिप्रेशन, तो ये मार्केट के अंदर एक फ्लक्चुएशंस आते हैं। जो फ्लक्चुएशंस कब आते हैं, जब प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन इम्बैलेंस होता है तब इन फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात करी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ वेस्ले क्लेयर मिचेल, मिशेल के इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में बात करी। थैंक यू।